आज की वीडियो में हम गॉल ब्लैडर कैंसर यानी कि पित्ताशय कैंसर के जोखिम कारकों के बारे में जानेंगे। इन जोखिम कारकों को जानना बहुत ज़रूरी है। गॉल ब्लैडर कैंसर के विकास के लिए कई कारण जिम्मेदार हैं, जिसमें से सबसे पहला है गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय की पथरी। ये सबसे आम जोखिम कारक है। गॉल ब्लैडर की पथरी ऐसे कठोर कण होते हैं जो गॉल ब्लैडर में बनते हैं और गॉल ब्लैडर में लगातार सूजन पैदा कर सकते हैं। दूसरा रिस्क फैक्टर है पॉलिप्स। पॉलिप्स छोटी वृद्धियां होती हैं जो गॉल ब्लैडर की लाइनिंग में बनती है और जो छोटे ट्यूमर्स का स्वरूप लेती है। क्रॉनिक कोलेसिस्टाइटिस यानी कि लंबे समय तक चलने वाली गॉल ब्लैडर की सूजन, ये भी एक रिस्क फैक्टर होता है। ज़्यादातर गॉल ब्लैडर कैंसर 50 साल की उम्र के बाद देखा जाता है और महिलाओं में ये अधिक पाया जाता है। मोटापे से ग्रस्त व्यक्तियों में गॉल ब्लैडर की पथरी का जोखिम ज़्यादा होता है और कुछ अन्य कारणों से गॉल ब्लैडर कैंसर का भी रिस्क ज़्यादा पाया जाता है। कुछ जनसंख्याओं में जैसे कि उत्तर भारतीय व्यक्तियों में और नेटिव अमेरिकन्स और दक्षिण अमेरिका के लोगों में गॉल ब्लैडर कैंसर का रिस्क ज़्यादा पाया जाता है। इन जोखिम कारकों को समझना रोकथाम का पहला कदम है।